सो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे और देखने आए हैं इस वीडियो को, जिसमें हम बताने वाले हैं इंडी स्मार्ट ऐप में यूपीआई आईडी कैसे क्रिएट करें और इंडी स्मार्ट में आपको यूपीआई आईडी का पूरा सेटअप, मतलब स्कैन कैसे करना है, कैसे आपको पे करना है, कैसे आपको उसके जितने भी ऑप्शन दिए हुए इंडी स्मार्ट ऐप में यूपीआई से रिलेटेड, वो सारे आपको इस वीडियो में देखने मिलने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो। तो दोस्तों हम यहाँ पे आ गए हैं अपनी स्क्रीन के अंदर में और इंडी स्मार्ट ऐप को हम यहाँ पे ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन आती है जिसमें आपको पिन डालनी होती है और आपको लॉगिन कर लेना होता है। पिन डालने के बाद में जो एम पिन आप डाल देते हैं, लॉगिन होने के बाद में यहाँ पे आपको देखेंगे नीचे ऑप्शन आपको आता है यूपीआई का। तो आपका जो यूपीआई का ऑप्शन है दोस्तों, तो जो यूपीआई का ऑप्शन है दोस्तों आपको उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये कहता है कि यूपीआई रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है तो आपको पॉलिसी जो है इसकी टर्म्स एंड कंडीशन आपको अप्लाई करनी होगी। तो यहाँ पर टर्म्स एंड पॉलिसीज को जो है आपको चेक कर देना है चेक बॉक्स को, और इसके बाद में सेंड एसएमएस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपकी जो सिम है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, कौन सी सिम है। सिम में सिलेक्ट करने के बाद में आपको वेट करना है। इसके बाद में आपका रजिस्टर्ड नंबर यहाँ पर दिखा देगा और उसके बाद में आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में स्क्रीन के ऊपर में आपको एक यूपीआई आईडी लिखा हुआ आएगा आपके नाम के नीचे, वहां पे आपकी यूपीआई आईडी बनी हुई होती है दोस्तों। अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो एक यूपीआई आईडी आपके सामने आ जाएगी जो कि वहां पे लिखी होगी @IndianBank, उसके आगे लिखा होगा और उसके सामने आपकी यूपीआई आईडी लिखी है। तो इसको आपको याद रखना है, अगर किसी को भी आप अपनी यूपीआई आईडी देते हैं तो यही यूपीआई आईडी आपको वहां देना पड़ेगा अगर आपको अकाउंट में पैसे बुलाना है तो। इसके बाद में नीचे आप देखेंगे एक मैनेज यूपीआई आईडी का ऑप्शन है जहाँ पे मैनेज बीपी और पिन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपकी अगर जो आपकी जो पिन है दोस्तों वो अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं यूपीआई पिन, अगर आपने क्रिएट नहीं करी हुई है तो आपको जो है क्रिएट करने का ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। इसके अलावा आपको यहाँ देख सकते हैं फॉरगेट भीम यूपीआई पिन, अगर आप भूल गए हैं या आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे देखेंगे तो क्रिएट यूपीआई आईडी का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा अपनी यूपीआई आईडी आप कौन सी क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट सिलेक्ट है, नीचे आप यूपीआई आईडी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप जो भी यूपीआई आईडी बनाना चाहते हैं वो लिख लीजिए। इसमें आप अपना नाम डाल सकते हैं, कुछ नंबर्स डाल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका नाम है अनिल तो आप Anil2312 या Anil4556 या Anil9825 इस तरह से आप बना सकते हैं। @IndianBank आगे लिखा रहेगा। तो हम यहाँ पे एक आईडी बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक यूपीआई आईडी बनाने के लिए लिख दिया है और यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है। इसके बाद में हमको नीचे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है दोस्तों, और सेशन एक्सपायर दिख रहा है तो हमको फिर से लॉगिन करना होगा एग्जिट करके। जैसे ही आप क्रिएट बटन पे क्लिक करते हैं आपके सामने नंबर ऑफ बैंक आ जाते हैं, आपको आपका बैंक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ IndianBank आएगा, आपको IndianBank को क्लिक कर लेना है। अब वापस से आपको आपका बैंक यहाँ नजर आएगा, आपको सिलेक्ट कर लेना है और नीचे एक बटन आएगा प्रोसीड का, उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे इन्होंने आपको जानकारी दी है कि आपको यूपीआई आईडी सिर्फ और सिर्फ पैसे भेजने के लिए लगती है, यूपीआई पिन जो है आपको कभी भी पैसे मंगाने के लिए नहीं लगती। तो ये हमेशा याद रखना, क्योंकि ये ऐसा फ्रॉड होता है कि अक्सर लोग आपको एक लिंक भेज देते हैं और उसमें यूपीआई आईडी पिन आपसे डलवा लेते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि यूपीआई आईडी पिन जो है सिर्फ तभी आपको यूज करना होती है जब आप पैसे किसी को भेज रहे होते हैं, कभी पैसे मंगाने के लिए यूपीआई पिन का उपयोग नहीं होता है। मतलब आपके खाते में अगर पैसे आ रहे हैं तो यूपीआई पिन कभी डालने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ अगर आप कोई बोल रहा है कि आप यूपीआई पिन डाल दो मतलब आपके खाते से पैसे जाने वाले हैं। हम यहाँ पे ओके पे प्रेस कर देते हैं और यहाँ पे आपको सक्सेसफुल का एक मैसेज आ जाता है कि आपका यहाँ पे यूपीआई आईडी क्रिएट हो चुका है दोस्तों। इसके बाद में आपको प्रोसीड टू क्रिएट यूपीआई नंबर पर क्लिक कर देना है दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहां से इस तरह से बाहर आ जाना है, आपकी यूपीआई आईडी क्रिएट हो चुकी है और आप यहां पे देखेंगे अगर आप मैनेज बीपीए या पिन वाले ऑप्शन इस पे जाएंगे तो आपकी वही यूपीआई आईडी आपको अब यहां पे देखने को मिल जाएगी जो आपने अभी क्रिएट करी है दोस्तों। अगर आप उस यूपीआई आईडी का यहाँ पे आप किसी को भी क्यूआर कोड देना चाहते हैं तो यहाँ देखो जो है कि क्यूआर कोड अपना लेना है तो नीचे देखेंगे यहाँ पे माई क्यूआर कोड लिखा रहता है तो माई क्यूआर कोड पे आपको क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे ये जो क्यूआर कोड ऊपर आपको देखने को मिल रहा है ये मेरा क्यूआर कोड है। तो अगर ये क्यूआर कोड मुझे किसी को भेजना है तो यहाँ डाउनलोड का बटन है या फिर शेयर का बटन है। तो शेयर पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाते हैं किस चीज़ में आप शेयर करना चाहते हैं, यहाँ से आप जाके शेयर कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से डाउनलोड करके भी आप जो है किसी को भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। अब क्यूआर कोड स्कैन अगर करना है तो यहाँ पर स्कैनर भी दिया हुआ है क्यूआर कोड का, इस पर आपको क्लिक कर देना है तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद में आपका यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है और इसके बाद में
यहाँ पे आपका QR कोड स्कैन करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं QR कोड को, और करके आप जो है उसको स्कैन कर सकते हैं, उसके बाद में पेमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों, हमारा QR कोड हम स्कैन करना है वो करना है। इसके अलावा ट्रांजेक्शन हिस्ट्री अगर आपको देखना है आपने क्या अभी तक पैसा भेजा UPI ID से, यहाँ ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पर आपको क्लिक कर देना है। और फिलहाल अभी हमारा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, जब हो जाएंगे तो यहीं पर आपको लाइन से ट्रांजेक्शन देखने को मिल जाएंगे, रिसेंट देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा आपका मर्चेंट और ट्रांजेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यही सब कुछ दोस्तों आपको UPI के अंदर में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा और भी ऑप्शन है, पे टू कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन है, जहाँ से जाके आप अपने मोबाइल नंबर पर कोई कॉन्टैक्ट है उस पर क्लिक करके आप उनके नंबरों पर पैसा भेज सकते हैं। इसी तरह से पे का ऑप्शन है, कलेक्ट का ऑप्शन है, अगर आपको किसी UPI ID से पैसा मंगाना है तो आप कलेक्ट वाले ऑप्शन में जाके उस UPI ID को यहाँ डाल दीजिए और वेरीफाई करके आप उसको रिक्वेस्ट भेज दीजिए कितने पैसे की आप रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं। इसके अलावा आपका मैनेज PP है, वर्चुअल प्राइवेट एड्रेस और पिन। तो आपको अगर पिन वगैरह आपकी चेंज करना है तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है फॉरगेट भीम UPI पिन या फिर चेंज भीम UPI पिन। तो इसमें से दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है उसमें सेलेक्ट करके आप जो है अपनी UPI ID चेंज भी कर सकते हैं, और भूल गए हैं तो उसको रीसेट मार सकते हैं। इसके अलावा मैनेज बेनिफिशियरी, अगर आपकी UPI ID में अगर आपके कोई बेनिफिशियरी पहले से बनाए हैं तो उनको मैनेज कर सकते हैं, नए बेनिफिशियरी बनाना है तो भी उनको यहाँ मैनेज कर सकते हैं। तो ये सब आप यहाँ कर सकते हैं, ब्लॉक अनब्लॉक यहाँ कर सकते हैं, किसी को अगर आपने ब्लॉक करना है तो यहाँ से ब्लॉक कर दीजिए, अनब्लॉक करना है तो उसको वापस अनब्लॉक कर लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे क्रिएट मैंडेट आप क्रिएट कर सकते हैं, स्कैन मैंडेट आप यहाँ चेक कर सकते हैं, माई मैंडेट चेक कर सकते हैं, रिक्वेस्ट रिसीव, अगर आपको कोई रिक्वेस्ट रिसीव हो रही है तो वो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंडेट हिस्ट्री यहाँ से देख सकते हैं, पेंडिंग मैंडेट देख सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल कंसेंट यहाँ पे आप जो है इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, और FIR कंसेंट आप देख सकते हैं, ग्लोबल पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। और ग्लोबली अगर आपको पे करना है UPI से तो वो भी यहाँ पे आजकल ऑप्शन आने लगे हैं दोस्तों, उसको भी आप यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सारा कुछ दोस्तों आपको इंडी स्मार्ट ऐप के अंदर में, इंडियन बैंक ऐप के अंदर में आपको जो है इस तरह से आपका UPI ID को यूज़ करना है, क्रिएट करना है, ये सारा कुछ हम देख चुके हैं। और इसी के बाहर में आपको यहाँ पे QR कोड स्कैन करने का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से भी डायरेक्ट जाके आप QR कोड स्कैन कर सकते हैं, अंदर तक आपको भीम के UPI ऐप के अंदर में क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही सब कुछ है दोस्तों आपका UPI ID और आपका इंडी स्मार्ट ऐप में UPI ID